हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुकी हूँ मैं एक बार फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो के साथ। थोड़ा सा मैं इसको लगा ली हूँ अभी, क्योंकि दो वीडियो इससे पहले रिकॉर्ड की ना, तो थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम आ रहा है, तो लाल हो गया ना कुछ ज़्यादा, अभी आँख से पानी में आने लगे, फिर बना नहीं पाऊंगी, इसलिए इसको ले ली हूँ मैं। क्योंकि ब्लैक है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं रिंग लाइट का, यहाँ पे दिख भी रहेगा आगे रिंग लाइट लगा हुआ है, तो इसीलिए। तो चलो आज हम रिएक्ट करने वाले रजा सॉन्ग मुनव्वर का। तो बहुत दिन से मुनव्वर के सॉन्ग पर रिएक्ट नहीं की थी यार, मेरे को भी करना था। थैंक यू सो मच रिकमेंड करने के लिए। और मैं मुनव्वर के कौन कौन से सॉन्ग पर रिएक्ट करना है जल्दी जल्दी से बता दो कमेंट में, उसके बाद फिर उस पर करूंगी मैं नेक्स्ट, ठीक है। तो चलो जल्दी से रजा सॉन्ग पर। यार मुनव्वर के ऐसे गाने के नाम जो होते हैं ना, वो बहुत डीप लाइन होती है उसकी और बहुत ही प्यारा गाना होता है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सुनने के लिए कि गाना कैसा होने वाला। तो लेट्स गो। ऐसा लग रहा है ना मैं अंधी हो गई, कसम से बता रही हूँ। इससे मेरे को अपना मुंह पे इतना बड़ा चश्मा ही दिख रहा, बट रिसेंट में कुछ था नहीं तो मेरे को यही लगाना पड़ा, बट कोई नहीं, इसको इग्नोर करो और चलते हैं हम रिएक्शन पे। लेट्स गो। डूबाना चाहते मुझे पर मैं डूबा नहीं, म्यूजिक है हराम कहते पर खुदा से जुदा नहीं, ये लाते वेव में लाया हूँ पूरी सुनामी लगानी। तो बहुत सही है यार कि जो भी इस लाइन में है ना, या मतलब जो अलाउ नहीं है उस चीज में, तो इंसान बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो तो तुम ऊपर वाले से अलग हो, लेकिन हम डिसाइड नहीं करने वाले कोई भी होते। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये लाइन बहुत अच्छी। आती तो लकड़ी को खुद मारी कुल्हाड़ी, मतलब करी है मेहनत बहुत, सफर निकाले पैदल बहुत, क्यों मुझसे जल के वक्त जाया कर रहा, क्या है मैटर बोल, रातें कर दी एक जब जाके बरसी रहमत, दोस्त मेरा छोड़ मौला कामयाबी दे तू तेरा सो जिक्र इलाही, सफर में निकले हम कफन बांधे, लिखती उंगलियां हाथों के मेरे सारे कदर दाने, ये रैपर मुनी लगते क्योंकि ये सब हशर जाने, जब भी निकले कलम मुझसे वो बस खाली कत्ल मांगे, मुझे करनी नहीं बीफ, जब मुझे कलम निकलेगा तो वो कत्ल मांगेगा भाई, खतरनाक लाइन। चाहिए बस पीस, मुझे चाहिए मोहब्बत जैसे हर दिनों ईद, मेरे हिस्से की उम्र मेरी माँ को नसीब कर दे मौला, तू ही रहबर तू ही है मेरा हरीफ, तू ही जाने दिल के हाल, तू जाने ना दिल में गलत मेरे, अपना बेहतर सोचा तेरा बुरा नहीं है फर्क बेटे, मैं लगू कोल्ड क्योंकि भार लाना नरक में से घर को, और तुम होते अपने तो खुद से ही समझ लेते, खैर मुझे अब किसी से भी गिला ना है, पर संभल के चलता दुनिया सांपों का एक पिटारा है, कलाकार हंस के गम को दिल ही दिल में छिपाता है, सुनने वालों का प्यार बस खुदा का, यार कलाकार हंस के दिल में दर्द को छुपाता, भाई क्या लाइन है। एक इशारा है कि होगा बेहतर, सब हिम्मत कर लगा रहे तू, रो ले रो के हंसने का अपना एक अलग मजा है, दुनिया की भीड़ में रखना तू खुद को बचा के, कहीं ऐसा ना हो बाद में गहरों में खुद को तलाशे, तू जाया ना कर ये जिंदगी, तू जाया ना कर, तू इतने बुलंद हौसले कर, खुद खुदा पूछे रजा कर, मैं कहता कि तू जाया ना कर ये जिंदगी, तू जाया ना कर, तू इतने बुलंद हौसले कर, खुद खुदा पूछे रजा कर, भाई खतरनाक। डुबाना चाहते मुझे पर मैं डूबा नहीं, छुपाता मैं अंधेरे मुझसे ज्यादा गहरा कुआ नहीं, मैं ठहरा नहीं क्योंकि साथ मेरे दुआ, कई मुश्किलों को भी मुझसे मोहब्बत होती वो जुदा नहीं, रिश्क की कला देख जो लिखूं मैं वो बिकेगा, रिश्क की परवाह नहीं जो लिखा है वो मिलेगा, ख्वाब में बोला लूटेगा पर ना वो सीखेगा, खामोश महफिलों में पर अकेलेपन में चीखेगा, अपास बैठ मेरे राज की ये बातें सुन, चाहता मंजिल तो बेचैनी भरी रातें चुन, जमीन बहुत सही है यार कि अगर चाहता तो मंजिल है तो क्या था लाइन, तो रोशनी दे इतनी के खुद आसमेगा, खामोश महफिलों में पर अकेलेपन में चीखेगा, अपास बैठ मेरे राज की ये बातें सुन, चाहता मंजिल तो बेचैनी भरी रातें चुन, जमी को रोशनी मंजिल तो बेचैनी भरी रातें सुन, अरे चुन मतलब, अरे यार दे इतनी के खुद आसमां लगने लगे फीका, जैसे हो गए सितारे गुम, खुशी को खो चुका मैं, खो चुका मैं कैदी अपनी सोच का, मैं बेअसर मैं बेहया हिस्से का, अपने रो चुका मैं रास्ते पे, सो चुका साया था सर पे, खौफ का भूखा चढ़ा जो स्टेज पे, फिर माइक पे मैं मौजूदा, टूटे खिलौनों से भरा है कमरा आज भी, मुसीबत ने बनाया बचपन में ही आदमी, मैं घर से निकलूं सोच के सफर ये लास्ट राइड नाम हो, अरे मतलब लाइन समझ रहे हो, हाँ
मुसीबत नहीं बनाया, बचपन में ही आदमी मतलब जब वो बच्चा था, बचपन की मतलब हम बच्चे जब होते तो खेलने कूदने की उम्र में, तब वो आदमी इन द सेंस कि आदमी वाली सोच, आदमी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज ने उसे बचपन में ही बचपन मार के आदमी बना दिया। ओ भाई से जैसा मरने बाद भी गैरों की सुन के अपने ख्वाब तू दबाया ना कर, महलों को देख अपने झोपड़े जलाया ना कर, है हसरत अगर पाने की तुझे ये दो जहां है, नुस्खा एक ही माँ बाप को सताया ना कर, ये जिंदगी तू जाया ना कर, थोड़ी देर बुलंद हौसले कर, खुद खुद पूछे रजा कर। ना मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है वहां पर जहां पर की ये चीज आ जाती है माँ बाप वाली, वो चीज वो लाइन को, वो जो रिस्पेक्ट देता है ना बंदा, वो मेरे को एकदम यहाँ पे लगता है, लगता है कि यार क्या बोल दिया। और उसके मोस्टली गाने में मम्मी पापा का, माँ का तो जिक्र होता ही है, पापा का भी होता है, तो ये चीज मेरे को बहुत उससे मतलब एक क्लोज कर देती है कि हाँ ये चीज जब आती ना तो लगती है यार। अरे यार गाना बहुत हार्ड था भाई, मजा आ गया लिटरली। मतलब मुनव्वर के ऐसे सॉन्ग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं बोली हूँ कि मुझे जिस सॉन्ग से कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, वो सॉन्ग फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और अभी के टाइम में ना देखोगे आप, नॉर्मली भी कहीं पे भी देख लो यार, मम्मी पापा की जो रिस्पेक्ट होती है ना, जो उनका मतलब कि उनका महत्व मर्तबा कोई नहीं समझता है, सब अपने में बिजी हैं। बच्चे की बच्चे भी ले लो, छोटे छोटे बच्चे जिनको मम्मी पापा की बात पे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कि हाँ मम्मी पापा क्या सिखा रहे हैं, वो इस उम्र में उनका डिसरिस्पेक्ट करता है, बात नहीं सुनता है, वैल्यू नहीं करता है। तो अभी के टाइम में ये चीज़ समझाना, गाने में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे या लड़के गाना सुनते हैं और वो इस चीज़ में देखेंगे कि गाने में भी यही बात हो रही है, तो मतलब सच में इसका मतलब बहुत बड़ा है, तो ये चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा मैसेज है कि आप मम्मी पापा के बारे में अगर गाने में बोल रहे हो तो बच्चा या लड़का जो भी सुनेगा, देखो सुन के इग्नोर करने वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सुन के किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेने की, लाइफ में लाने की बात कर रही हूँ मैं, तो वो तो समझेगा ही समझेगा, बाकी ज़्यादातर लोग तो सुन के स्किप कर देते, भूल जाते, बट नहीं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी, ओवरऑल मेरे को गाना बहुत अच्छा लगा। तो होप्स हो आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ऐसे बने रहो मेरे साथ, रिकमेंड करते रहो, और कौन कौन से सॉन्ग पे आपको रिएक्शन चाहिए हो सकता है इसके बाद लोग रिकमेंड करके रखो, मैं एक साथ जब भी बैठूंगी 2-3 दिन बाद तो एक साथ सब बना कर उठूंगी, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक बाय बाय, ध्यान रखो अपना, ऐसे बने रहो मेरे साथ, बाय।